हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोबिन चौहान, और आज से जो है मैं अपनी ब्लॉगिंग दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं, और आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करेंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी बनी है। तो चलिए लेकर चलता हूँ आपको व्लॉग की तरफ। दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो है हमारे खेतों के ऊपर। आज मैं आपको अपने खेत की तरफ लेकर जाऊँगा। आज सुबह जो है बहुत ही मतलब मूसलाधार बारिश हुई है। हमने जो है मतलब खेत में धान वगैरह लगाए हैं, जो धान वगैरह है उसके लिए बारिश बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आज बारिश हुई है तो धान को चेक करके आते हैं वो कैसे हैं। और धान जो है यहाँ पर मतलब चावल को बोल रहा हूँ मैं, हमारी लैंग्वेज में इसे धान बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में इसमें क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए चलते हैं ब्लॉग की तरफ। तो अभी खेत को जाते टाइम जो है हमारे रास्ते में आती है ये एक खुई मतलब कुआं है दोस्तों, ये एक छोटा सा, और इसके अंदर देखिए कितने मतलब मेंढक है। देखिए दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये देखिए दोस्तों इतने बड़े बड़े मेंढक जो हैं इसके अंदर है, ये देखिए। और बारिश हुई है आज तो ये देखिए दोस्तों, खेत में पानी भर गया है अच्छी तरह बिल्कुल। तो दोस्तों, मैं अभी अपने खेत में जो है वो आ चुका हूँ, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये देखिए दोस्तों, काफ़ी पानी जो है यहाँ पर हो चुका है, और ये है मेरा भाई मेरे साथ। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, खेत में पानी बहुत हो गया है, और अभी देख लेते हैं यहाँ पर कि पानी वगैरह निकल तो नहीं रहा है कहीं से। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये है धान जिसे कि मतलब चावल है, ये चावल जो है अभी पानी में है, बड़े होके हम इसको जब ये पकेगा तो हम इसको काटेंगे, काटने के बाद जो है इसका दाने में से जो है मतलब वो जो है चावल निकलेंगे। तो भाई काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है। इस बार हमने जो है धान मतलब जो है हाथ से नहीं लगाए हैं दोस्तों, नहीं तो इसको हाथ से लगाना पड़ता है कीचड़ के अंदर घुस के। अभी हमने ऐसे ही ये इनको जो है बो दिया है, पानी फ़िलहाल तो है थोड़ा थोड़ा दोस्तों, देख सकते हैं आप। और अभी आगे चलते हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छा है, वो आगे देखिए हाथ से जो है वो धान लगा रहे हैं, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब आए हैं तो कुछ काम भी कर ही लेते हैं, और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जो है बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है बारिश की, तो चलिए अब थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं दोस्तों, वरना बारिश लग पड़ी तो फिर काम करना मुश्किल होगा। तो भाई आप देख ही सकते हो कि मेरी हालत देख लो भाई, काम करते करते क्या हालत हो गई है यहाँ पर। और ये धानी जो है हमने अभी ठीक की है थोड़ी बहुत, अभी अच्छी तरह से ठीक नहीं हुई है, पर बारिश जो है वो लग पड़ी है तो हमें वापस जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब चलते हैं दूसरी वाली धानी की तरफ। दोस्तों देख सकते हो आप, ये है हाथ से लगाए हुए धान, ये मतलब एक एक डाली जो है मतलब हाथ से लगाई है, वो उखाड़ कर जो है हाथ से लगाई है, और बड़े होकर ये मतलब काटने के लिए बहुत आसान रहता है भाई ये धान, जो कि इस बार हमने नहीं लगाया है, हमने सीधे मतलब बो दिया है। तो दूसरी धानी में भी हमने वैसे ही किया है, चलो देख कर आते हैं उसे भी। तो भाई हम अभी दूसरी धानी में पहुंच गए हैं, और ये देखिए यहाँ के धान तो बहुत ही ख़राब है दोस्तों, इतने कम धान लगे हैं ना यहाँ पर दोस्तों, तो मतलब क्या ही बोलें, देख लो आप, देख सकते हैं खुद। भाई यहाँ पर पानी तो भरपूर है लेकिन धान इतने खास नहीं लगे हैं, देख सकते हैं आप, बहुत ही कम धान जो है यहाँ पर लगे हैं। तो चलिए अभी मैं आपको आगे लेकर जाता हूँ। दोस्तों भाई तुम्हारा अब घर जो है वो पहुँच चुका है, और अभी मैं पूरा फ्रेश हो गया हूँ और कपड़े भी चेंज कर लिए मैंने, गिल्ला हो गया था पूरा। तो भाई घर में पहुँच के सबसे पहले मैं नहा कर कपड़े चेंज किए, कीचड़ वगैरह साफ़ की है, और अभी मैं पहुँच चुका हूँ घर पे।
तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।